शेर आया शेर आया शेर आया, एक कहावत तो तुसी अक्सर सुनी होगी कि एक व्यक्ति दे वलों जान बुझ के झूठी अफवाह उड़ा दी जाती है, जिस तो बाद पूरा पिंड डंडे लेके इकट्ठे हो जाता है। पर ठीक इसी कहावत की तरह एक हुण नशेड़ी व्यक्ति ने भी अजिहा ही कांड किया, जिसने कि पहला तो पुलिस को सूचना दी कि अचानक ही तेंदुआ आया तो सत्त लोगों को मार के खा गया। जिस तो बाद पुलिस मौके के उत्ते पहुंची तो देखा उत्थे कुछ भी नहीं सी, जो व्यक्ति दे वल्लों सूचना दी गई सी वह एक नंबर का नशेड़ी निकलिया। जी हाँ, दस दिए कि खबर हमीरपुर तो सामने आ रही है, जिथे कि एक व्यक्ति दे वल्लों दित्ती सूचना ने जिथे पुलिस विभाग और जंगलात विभाग के हड़कंप मचा दिता, उत्थे ही उस व्यक्ति को हुण पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो दस दिए कि हमीरपुर के होया कुछ इस तरह कि एक व्यक्ति दे वल्लों रात के समय पुलिस को सूचना दी जाती है कि एक तेंदुआ आया तो उसके नाल दे सत्त साथियों नू मार के खा गया। जिस तो बाद पुलिस प्रशासन वड्डी गिणती दे विच मौके दे उत्ते पहुँचता है, तो नाल ही जंगलात विभाग नू भी पुलिस विभाग दे वल्लों सूचित किया जाता है। तो जंगलात विभाग के भी कई मैंबर मौके दे उत्ते पहुँचते हैं, तो जदों आले दुआले इलाके दे विच सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो मौके दे उत्ते कुछ भी नहीं मिलता। हालांकि सत्त लोग जिन्हां नू मार के तेंदुए दे वल्लों खाया गया सी उन्हां दा एक भी सुराग जदों नहीं मिलिया, तो पुलिस ने जदों उस व्यक्ति तो सख्ती दे नाल पुछगिछ की तो सारा मामला साफ हो गया, जिस दे विच उसने खुद मन्या कि यह झूठी सूचना सी जो कि उसने खाधी पीती च पुलिस नू दे दित्ती। जिस तो बाद पुलिस दे वल्लों भी हुण उस व्यक्ति नू गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर भी इलाके दे विच सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो हमीरपुर तो यह मामला सामने आया। मामला सर सुबह 8 बजे के करीब करीब एस एच ओ साहब का फ़ोन आया कि उन्होंने बताया कि लेपर्ड ने कुछ प्रवासी जो मजदूर हैं उन पे कुछ अटैक किया हुआ, तो उनके साथ साथ जैसे एस एच ओ साहब ने लोकेशन शेयर करी, हम भी साथ साथ में यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग के साथ, मेरे साथ ब्लॉक ऑफिसर हैं हमीरपुर के और निवासी हैं फॉरेस्ट गार्ड हैं, इनके साथ हम भी पुलिस के साथ हो लिए और यहाँ पे मौके पे आए, तो मौके पे छानबीन करी, तो मौके पे तो जैसे ही हमने फ़ोन किया उस नंबर पे जो इसने नंबर बताया तो उस पर कॉल किया, तो कॉल करने के बाद उन्होंने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाने के बाद जो इसकी जो इनपुट थी वो हमें बाकी क्या लगता है कि यहाँ पे कोई लेपर्ड हो सकता है इस इलाके में? सर हो तो सकता है क्योंकि लेपर्ड तो हर जगह होते हैं, इनकी अपनी टेरिटरी होती है तो लेपर्ड तो हो सकता है। कौन रो रहे थे? भाई मेरे और मैं उधर बैठा हुआ था। शराब शुरू पी थी रात को? शराब नहीं पी थी बिल्कुल। फिर कहाँ जा रहे थे तुम लोग? घर जा रहे थे। घर जा रहे थे, हाँ जी हाँ जी। फिर रात को क्या हुआ था? रात को बोला कि मेरे तोड़ रहे हैं मुझे खा रहे हैं। कौन बोल रहा था? भाई बोल रहा है, यही बोल रहा था सर जिससे बात हुई अभी। हाँ जी। अभी तो कमरे में है ये? हाँ ये कमरे में है। बच्चे भी कमरे में सारे? कोई बात है? हाँ जी। बच्चों से कहाँ बात हुई? बच्चों से हो जाएगी बात, है ना? उसने तेरे भाई ने तो बताया कमरे में सारे ठीक है ना सारे, है ना? थाने में आया था आज तू? तेरे भाई का फोन आ गया। बात नहीं थी ये एक व्यक्ति विनोद नाम का यूपी का प्रवासी यहाँ रहता है, लेबर का काम करता है, हमारे थाने में आ जाया था सुबह अर्ली मॉर्निंग 7:30-8 बजे के बीच में। बता रहा था कि इसके परिवार के 7 लोगों ने बल नाले में बाघ ने काट दिया है। फिर यहाँ पे मैंने आर ओ साहब को इन्फॉर्म किया, पुलिस टीम भी आई, लोकल प्रधान बाकी लोग भी हैं, सर्च ऑपरेशन किया। बाद में जब कोई सुराग नहीं लगा तो हमने इसके परिजनों के नंबर पर कॉल की, कॉल करने पर पता चला कि ये सभी लोग घर पर। जहाँ सर्च के दौरान इसका एक गमछा मिला था, फिर हमने सर्च आगे बढ़ाई, लोकल प्रधान आए, लोकल लोग आए, DFO RO साहब की टीम आई, फिर हमने जो सर्च की उसमें उसके दौरान हमें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन बाद में जब कुछ नहीं मिल रहा था तो इसके परिजन जो गुम होना बता रहा था उनके नंबरों पर कॉल की, तो उन्होंने बताया कि वो सब घर पर सुरक्षित हैं और ठीक हैं, और बताया कि अक्सर शराब के नशे में रहता है, इस कारण इसने ये सूचना दी, थाने में दी थी।